Good morning, students. Today we are starting with our new topic. It is your new paper, that is Bioresources and Waste Management, that is BT 403. You can check out its labels which you have already downloaded. So now I am starting with BT 403's first topic, that is Bioresources. In Bioresources, first of all I will talk about the biomass. So first we should be knowing what is biomass. Biomass is the total cellular and organic mass produced by the living organisms. It is the primary product of photosynthesis and it is a good source of energy, and that energy is called bioenergy. So biomass kya hota hai? Biomass sab kuch waisi hi cheez hai जो टोटल सेलुलर और ऑर्गेनिक मास है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. तो जितना भी प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो भी चीज़ें प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है वो एक एनर्जी का सोर्स रहता है. जैसे हम नेचुरल एनर्जी सोर्सेज भी बोलते हैं, दैट इज़ अ बायो एनर्जी. ये सब बायो मास के सोर्सेज हैं. सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ें फोटोसिंथेसिस होती हैं या ब्रीद करती हैं या वेस्ट होती हैं वो सब बायोमास के सोर्सेज होते हैं. जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं या उसका बचा हुआ रेजिड्यू है, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स हैं या रेजिड्यू है, इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज हैं, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट आता है मीन्स रेजिड्यूज उसी को बोलते हैं. एनिमल रेजिड्यू, जो एनिमल का वेस्ट गोबर हो गया या हम जो भी उसका दूसरा वेस्ट रहे उसकी बात करें. म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब ये जो भी हमारे घरों से कचरा निकलता है सब कुछ, दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ बायोमास. अब हम बात करेंगे बायोमास जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक होता है, जो भी चीज़ें ऑर्गेनिक है उसको हम बायोमास में इंक्लूड करते हैं. दैट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं या हम यूज़ करते हैं फिर बाद में थ्रो कर देते हैं, वो सब बायोमास में इंक्लूड होती हैं. द मोस्ट कॉमन बायोमास मटीरियल यूज फॉर एनर्जी आर प्लांट्स, वुड्स एंड वेस्ट. These are called biomass feedstocks. Biomass energy can also be a non-renewable energy source. तो हम ये बोल रहे हैं biomass क्या चीज़ें हैं, जो कि living organism से आई. वो living organisms plants भी हो सकते हैं, animals भी हो सकते हैं, wood भी हो सकती है, waste भी हो सकता है, और ये सब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो non-renewable, जिनको हम दोबारा renew नहीं कर सकते. तो दोबारा से हम ना बना सके उसको भी हम बायोमास एनर्जी बोल सकते हैं. बायोमास टोटल सेलुलर और ऑर्गेनिक मास है, ये हमने बात कर ली. इसके बाद प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी हमने बोल दिया, और ये बायो एनर्जी हम इसको बोलते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो बायोमास रिप्रेजेंट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, मैटर मतलब जो भी चीज़ें बनती हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, उन सबको बायोमास में इंक्लूड किया जाता है. सो दीज कैन बी एग्रीकल्चर वेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल वेस्ट एंड मैन्योर. द टर्म बायोमास इज ऑल्सो यूज टू कलेक्टिवली डिस्क्राइब द वेस्ट मटीरियल. It is a good source of energy and it is important for the production of several commercial important products. तो बायोमास, या हम वेस्ट की बात करें तो वो हमें एनर्जी तो देता ही है, साथ में हम इनसे आगे जाके कुछ नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं. तो बायोमास क्या, बायोमास को हम क्या बोल सकते हैं कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये इसकी जो चीज़ें हैं जिनको हम बायोमास बोलते हैं दैट कैन बी नॉन रिन्यूएबल, लेकिन इससे हम जो बनाते हैं, जो आगे जाके हम इसको कन्वर्ट करते हैं उसको हम रिन्यूएबल बोलेंगे. अगर हम वेस्ट को नए सामान में कन्वर्ट करते हैं दैट मीन्स दैट वेस्ट इज रिन्यूएबल, लेकिन वो वेस्ट जिस चीज़ से बनी है दैट कैन बी नॉन रिन्यूएबल. मेरा मतलब ये है, अगर मैं बोलती हूँ कि प्लांट की वुड से बना है तो प्लांट की वुड तो होगी आपकी
नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि एक बार आपने प्लांट को काट दिया तो नॉन रिन्यूएबल हो गया। लेकिन अगर आप उससे कोई चीज़ सामान बनाते हैं, वो ख़राब हो जाता है, फिर दोबारा से कन्वर्ट करके आप उससे दूसरा सामान बना सकते हो, दैट इज़ द रिन्यूएबल। इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बायोमास इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम बात करें कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे हम अपनी जो भी सामान रहता है खाने पीने का, जैसे आप जूस पीते हैं सपोज, तो जूस पीने जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आप ऑरेंज जूस, ऑरेंज पल्प जो है, आपने देखा होगा कि फाइबर जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, उन सब से इवन फ्यूल सेल्स के अंदर हम उससे इथेनॉल भी बना सकते हैं और उससे ऑयल भी निकाल सकते हैं। मीथेन गैस बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सिंगल सेल प्रोटीन, जो हमारा फूड एंड डेयरी का टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन कल्चर चलाने के लिए भी हम इन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट, इन डेवलपिंग कंट्रीज ए मेजर पार्ट ऑफ बायोमास इज डायरेक्टली यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जो हम वेस्ट को या बायोमास को, नॉट वेस्ट, वी विल से बायोमास। बायोमास मीन्स वो वेस्ट जो बायोलॉजिकल मेथड से बना है, उस सामान से बना है, तो उससे ये चीज़ें बनाते हैं। लेकिन इंडिया जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, अमेरिका, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका की बात करें, ये तो दूसरे हम बात कर रहे हैं, लेकिन लेटिन अमेरिका अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है और अफ्रीका, तो ये सब जो है ये बायोमास को या बायो वेस्ट को एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी कमर्शियल प्रोडक्ट्स हम नहीं बना रहे अभी, हम ज़्यादातर हमारे यहाँ पे फायर वुड के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम सिंपल वर्ड में चूल्हा जलाने के लिए, आग के लिए हम कोई वेस्ट यूज़ करें, चाहे वो घास हो, चाहे वो लकड़ी के टुकड़े हो, तो दीज ऑल आर दी बायोमास और हम उसको यूज़ करते हैं सिंपल चीज़ों के लिए। ओके, द एनर्जी फ्रॉम दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू यूजेबल एनर्जी थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स। बायोमास कैन बी बर्न टू क्रिएट हीट एंड कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ अ डायरेक्ट मैथड, और प्रोसेस्ड इन टू बायोफ्यूल, दैट इज़ द इनडायरेक्ट मैथड। बायोमास जो हम हीट डायरेक्ट करने के लिए बात करें, हम उसकी बात करें, जैसे बायोमास से बायोगैस बनाई जाती है, तो बायोगैस सबको मालूम है, बायोमास से अगर हम बायोगैस बना रहे हैं, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जो हमारे गांव वगैरह में चूल्हे, लाइटें वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है, या फिर हम सोलर सेल्स की अगर बात करें, सोलर सेल्स को बनाना भी, दैट इज़ टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ हम वहाँ भी हम सन की लाइट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम बायोमास यूज़ करते हैं, वेस्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड, और अगर हम उसको बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको कि हम फ्यूल सेल्स बोलते हैं, या बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके हमने पीछे डिस्कस किया इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बता रही है कि इसमें कैसे सोर्सेज होते हैं और कैसे यूटिलाइजेशन होती है और किसको बायोमास बोलते हैं। देखिए, ये है सन, सोलर एनर्जी दी इसने, सोलर एनर्जी की वजह से नेचुरल वेजिटेशंस हुई, जिसमें ग्रास, टिम्बर, फॉलिएज इंक्लूडेड है, देन एनर्जी क्रॉप्स हो गए। एनर्जी क्रॉप्स में आपको याद रखना है नेचुरल वेजिटेशन ये है, एनर्जी क्रॉप्स में आता है शुगर केन, कसावा, और भी हैं, बट दीज आर दी मेन एनर्जी क्रॉप, जो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपने सेल्स के अंदर। देन वेस्ट, वेस्ट कैन बी फ्रॉम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और इट कैन बी म्यूनसिपल वेस्ट ऑल्सो। इन सबसे जो भी चीज़ निकली, मतलब जो भी इसमें से वेस्ट निकला या आपने यूज़ करने के बाद जो छोड़ दिया, दीज ऑल आर दी बायोमास। उसके बाद ये अगर कंबस्चन में यूज़ होता है, जलाने के लिए यूज़ होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ कंबस्चन। अगर आप ड्राई केमिकल प्रोसेसिंग करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ड्राई केमिकल प्रोसेसिंग अगर करते हैं तो आप दो तरीकों से, दो प्रोसेस से कर सकते हैं, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस।
पायरोलाइसिस से हम गैस और ऑयल्स बनाते हैं, गैसिफिकेशन में मीथेन और अमोनिया होता है। तो ये दो प्रोसेस भी कर सकते हैं हम बायोमास से, ये भी एनर्जी जनरेट करने के लिए ही है। गैसिफिकेशन मतलब जलाना, ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एक्वस प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, एक्वस प्रोसेसिंग रहेगा, इसमें हम फर्मेंटेशन करवा सकते हैं, दैट इज़ द अल्कोहल और मीथेन का बनना, केमिकल रिडक्शन करा सकते हैं ऑयल्स का बनना। तो ये यूटिलाइजेशन है कि हम कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ बना सकते हैं, ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ें बना सकते हैं, और दीज आर दी मेन प्रोसेसेस जिस जो हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस को, इन चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको जल्दी समझ में आएगा, फूड एंड डेयरी फर्मेंटेशन। अगर आप वेस्ट जो पड़ी हुई है उसके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ देंगे, तो उस जैसे वेस्ट, किसकी वेस्ट, जैसे गन्ने का जूस निकाला, उसकी जो वेस्ट पड़ी हुई है, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर यूजफुल बैक्टीरिया जो फर्मेंट करने के यूज आएंगे, जैसे ईस्ट छोड़ देंगे, ईस्ट डाल देंगे, तो उसके अंदर जो भी बचा हुआ शुगर है दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू अल्कोहल। तो इसलिए मैंने आपको ये सिंपल एग्जाम्पल दिया जो बहुत ईजी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। ओके, हाउ बायोमास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। बायोमास पावर इज सिंपली कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच कुड हैव बीन ओपनली बर्न्ड, डंप्ड इन लैंडफिल्स और जस्ट लेफ्ट इन द फॉरेस्ट टू कॉज फायर्स। सिंपल वर्ड्स में सिंपल है, जितने भी कार्बन मतलब कार्बन सोर्स, जो भी आप जलाने के लिए, जो भी आपकी बायो वेस्ट है, बायोमास है, उसके अंदर कार्बन तो रहता ही है। और जब आप उसको ओपनली जलाते हैं या डंप्ड इन लैंडफिल्स, मींस लैंडफिल्स वो होता है, लैंडफिल भी आपका इसमें एक कंप्लीट टॉपिक है, बट फॉर टेलिंग यू नाउ, लैंडफिल मतलब एक लैंड आपने खाली कर दी सिर्फ वेस्ट को डालने के लिए, ठीक है। तो आपने लैंडफिल, प्रॉपर तरीका रहेगा, लेयरिंग रहेगी, वो लैंडफिल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने या तो ओपन जला दिया या फॉरेस्ट को जला दिया, इससे जो एनर्जी कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे हम बोलते हैं बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। जब प्लांट्स बड़े होते हैं तो जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर्ड होती है। व्हेन द प्लांट्स आर कट और डाई, वुड चिप्स छोटे छोटे उसके पीसेस कर देते हो, देन इट इज डिलीवर्ड टू बायोगैस प्लांट में चली जाएगी। व्हेन बायोमास इज बर्न, इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, आपको समझ आ गया होगा। सन की एनर्जी प्लांट्स में गई, प्लांट्स को आपने काट दिया या आपने उसके छोटे छोटे जो भी चीज़ें थी, वेस्ट थी उससे आई हुई, पत्ते या कुछ भी, उसके वुड की शेविंग्स, वो सब आपने यूज़ कर ली बायोगैस प्लांट में। अगर आप उसको डायरेक्टली जला देते हैं तो वो एटमोसफेयर में रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। द बायोमास सेकेंड पॉइंट, द बायोमास प्लांट्स बर्न वुड और अदर फॉर्म्स ऑफ वेस्ट टू जनरेट स्टीम। तो यहाँ पे अगर आपने बायोमास प्लांट मतलब जो प्लांट के हिस्से हैं उसकी जो वुड है, अगर आपने उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने उनसे स्टीम जनरेट कराई। द एनर्जी फ्रॉम द स्टीम इज डायरेक्टेड बाय पाइप्स टू रन द टर्बाइंस, समझ आ गया होगा आपको। स्टीम जो है वो पाइप्स के अंदर गई और वो टर्बाइन चलाने के लिए यूज हो गई। ये भी एक डायग्राम आपको, एक जो भी मैंने अब तक आपसे डिस्कस किया उसके बारे में बता रहा है। सन से जो एनर्जी आई कन्वर्टेड इनटू प्लांट मटेरियल थ्रू फोटोसिंथेसिस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देन प्लांट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, प्लांट की शेविंग्स, वुड, इज टर्न्ड इनटू बायोमास वुड पैलेट्स। तो यहाँ पे हम बायोमास को क्या बोलेंगे, यहाँ बायोमास क्या है, किसमें है, वुड की फॉर्म में पड़ा हुआ है, मतलब जो वुड है वो बायोमास है। उसको आपने जला दिया, वुड की पैलेट्स को, दैट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड रिलीजिंग हीट एज ए बायो प्रोडक्ट। तो जो इससे क्या बना आपके वुड की शेविंग से, बायोमास से, यहाँ पे हीट जनरेट करवाई। उस गर्मी की वजह से क्लाउड्स बने, क्योंकि आपको पता है जब गर्मी होती है तो जो गैसेज हैं वो
मूव करती हैं और उसकी वजह से क्लाउड्स बने, तो इसको हम बोलेंगे बायोमास कार्बन साइकिल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ही जो सोर्स है वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. सो बायोमास एनर्जी कन्वर्जन, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बायोमास की एनर्जी को कन्वर्ट किस किस फॉर्म में किया जा सकता है. फर्स्ट इज द डायरेक्ट कम्बस्चन, सेकेंड इज थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, थर्ड इज बायोकेमिकल कन्वर्जन. अब ये है आपका चार्ट, ये सारा जो चार्ट है इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था आगे हम डिस्कस करेंगे. बायोमास अगर मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन की बात करें या मैकेनिकल कन्वर्जन की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे सॉलिड फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी. थर्मोकेमिकल कन्वर्जन विल बी ऑफ थ्री टाइप्स मेनली, कंबस्चन, गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस. बायोकेमिकल कन्वर्जन फर्मेंटेशन, एनारोबिक डाइजेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था. हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट लेक्चर में. तो आप तब तक इस बायोमास का मेन पढ़ लीजिए, अगर कुछ डाउट होगा हम क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.